नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सैमको ऐप और अपस्टॉक दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो सैमको एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। तो अपस्टॉक काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है सैमको एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने नंबर ऑफ़ डाउनलोड हो रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैमको एप्लीकेशन को अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अपस्टॉक एप्लीकेशन को अभी तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में अपस्टॉक एप्लीकेशन के ज़्यादा डाउनलोड हैं सैमको ऐप की तुलना में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल 0 है, बिल्कुल सेम टू सेम अपस्टॉक के अंदर है। अपस्टॉक के अंदर भी आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है अकाउंट ओपन करवाने पर, यहाँ पर भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमको ऐप के बारे में। तो सैमको ऐप के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर कोई भी चार्ज नहीं देना है, यानी कि पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री है। जैसे ही 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे साल से आपको हर साल 400 रुपये प्लस GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपस्टॉक की। तो अपस्टॉक के अंदर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप सैमको एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं या फिर बेचते हैं तो आपको कम से कम 0.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज और डिलीवरी भी समझ में आ गया होगा दोनों एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह बताऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर 10 शेयर ख़रीदते हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देते हैं तो हमें उस कंडीशन में कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमको ऐप की। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं अपस्टॉक की। तो अपस्टॉक के अंदर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस बिल्कुल सेम टू सेम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर हमें DP चार्जेस देने पड़ते हैं। अब जैसे कि अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार 10 बार या 100 बार बेचेंगे तो हमें उस कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें एक दिन में 1 बार DP चार्ज देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो अगले दिन हमें अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि किसी भी एक कंपनी के शेयर को अगर हम एक दिन में बेचते हैं तो हमें 1 बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमको एप्लीकेशन के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो हैं 15 रुपये प्लस GST। अगर अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 18.5 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के DP चार्ज के बारे में पता चल गया होगा।
अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर, और अपस्टॉक में भी बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेच पाते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले पहले, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके वजह चार्ज लेगा, उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो सैमको एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस है वो 20 रुपये प्लस GST हैं, और अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। पर लेकिन मेरी आपसे ये निवेदन रहेगी कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जितना भी कुछ समझाया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह देखेंगे कि अगर हम दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इन दोनों एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमने सैमको एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहां पर हमने इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को भी ओपन करके रखा हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन में चलते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन में आ गए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसका यह मतलब है कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं 1 महीने 10 महीने 10 साल और उसके बाद बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वांटिटी में डाला है 10 और यहाँ पर हमने बाइंग प्राइस पर डाला है 1000 रुपये और सेल में डाला है 1100 रुपये, यानी कि 10 शेयर खरीदेंगे हम 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे, तो इस कंडीशन में हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो कॉलम नज़र आ रहे होंगे, पहला तो आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, दूसरा आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला कॉलम इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 0.5% के हिसाब से चार्ज देते हैं तो आपको कितना ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। पर लेकिन जो हमें चार्जेस देने हैं वो ये वाले देने हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये बस समझाने के लिए है कि अगर आप 0.5% के हिसाब से चार्ज देते हैं तो आपसे कितना ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, पर लेकिन आपसे ये वाला चार्ज लिया जाएगा। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इस वाले पर ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जो हम मतलब कि शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसमें जो हमारा टर्नओवर हो जाएगा वो कुछ 21,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। पर लेकिन अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं यानी कि सैमको एप्लीकेशन की तरफ से जो चार्ज आपसे लिए जा रहे हैं वो 40 रुपये हैं। तो यहाँ पर आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अदर चार्जेस हैं जैसे STT टोटल, तो यह गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स ये सब की तरफ से, तो यहाँ पर आपको यह वो चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जो STT टोटल है वो 21 रुपये है। सेबी टर्नओवर फीस 0.04 रुपीज़, स्टैंप ड्यूटी 1.5 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.72 रुपीज़, GST 7.33 रुपीज़, टोटल GST एंड चार्जेस 70 रुपीज़, यानी कि आपको टोटल 70 रुपये देने पड़ेंगे। पर लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर DP चार्जेस नहीं जोड़े गए हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें एक बार DP चार्ज देना पड़ता है, तो यहाँ पर DP चार्ज को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हमें यहाँ पर DP चार्ज को भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस आया वो तो 70 रुपये आया, पर लेकिन 70 रुपये में हमें DP चार्जेस को भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो सैमको एप्लीकेशन के अंदर DP चार्जेस हैं वो 15 रुपये प्लस GST हैं। अगर हम GST को भी मिला दें तो ये कुछ 70 रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो अगर हम 70 रुपये में 17 रुपये ऐड कर दें तो ये हमारे हो जाते हैं 87 रुपीज़, यानी कि अगर आप सैमको एप्लीकेशन के अंदर 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये की रेट
रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देते हैं तो इस कंडीशन में आपको 87 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सैमको एप्लीकेशन के अंदर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अब मैं इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि वहां पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपस्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपस्टॉक एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को भी ओपन करके रखा हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हम इसमें किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डिलीवरी वाले सेक्शन पर टिक करके रखा हुआ है। इसका यही मतलब है कि हम हमारे शेयर को ख़रीदेंगे और जब हमारा मन होगा 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद, तब हम उसे बेच देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी में डाला है 10 और बाइंग प्राइस में डाला है 1000 रुपये और सेल में डाला है 1100 रुपये। यानी कि हम 10 शेयर खरीदेंगे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन है जो कि हमने सैमको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में ली थी। तो अब मैं इसे नीचे करके आपको समझा देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये है, यानी कि अपस्टॉक की तरफ से हमसे 40 रुपये लिए जा रहे हैं किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। और जो अदर चार्जेस हैं वो 52 रुपीज़ हैं। जो 52 रुपीज़ हैं ये गवर्नमेंट और टैक्स और GST वगैरह के चार्ज हैं जो कि यहाँ पर टोटल अदर चार्जेस के रूप में आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये कुछ 92 रुपीज़ का चार्ज हो जाता है। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये अदर चार्जेस हैं ये आपसे किस किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो मैं इसे आपको नीचे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये ब्रोकरेज है वो तो 40 रुपये है, यानी कि आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और जो STT CTT चार्ज है ये 21 रुपये है। ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.72 रुपीज़, DP चार्जेस 18.5 रुपीज़, स्टेट स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 1.5 रुपये, सेबी टर्नओवर फीस 0.02 रुपीज़, GST 10.66 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो जाता है वो कुछ 92.4 रुपीज़ हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन ली थी यहाँ पे और सैमको एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं हमें कहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर DP चार्ज इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर DP चार्ज लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर DP चार्ज को ऑलरेडी ऐड करके यहाँ पर टोटल चार्जेस हमें बताए गए हैं। पर लेकिन जो सैमको ऐप था उसके अंदर जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हमें DP चार्ज जोड़कर नहीं बताए गए थे, इसलिए हमने वहाँ पर अलग से DP चार्ज जोड़े थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DP चार्ज को ऐड करके हमें आंसर बताया गया है। तो यहाँ पर जो चार्जेस लग रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 92 रुपीज़ लग रहे हैं, यानी कि 92 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज देने पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको सैमको ऐप में थोड़ा कम चार्ज देना पड़ रहा है। वहाँ पर आपको 87 रुपीज़ देना पड़ रहा है और यहाँ पर आपको 92 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर चार्जेस समझ में आ गए होंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर जो भी चार्जेस मैंने आपको समझाए हैं दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।